गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं अवनेश सिंह तोमर आपके साथ केमिस्ट्री की सीरीज लेकर हम अपने चैनल पर ज्योग्राफी की सीरीज भी चला रहे हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबाएं और उस पर ऑल का क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो समय से आपके पास पहुँचती रहे। और आपके लिए बेहद ही आवश्यक सीरीज है ये, आप ध्यान में देखो इस सीरीज पर। एनटीपीसी के एग्जाम में केमिस्ट्री का अपने आप में और ज्योग्राफी का और जितने भी जीएस के सब्जेक्ट है अपना रोल होता है, साइंस का एक अलग ही रोल है, तो साइंस को प्रायोरिटी देंगे देखो हम। और देखते हैं देखो फिलहाल इसे, और बाकी की बाद में बात करते हैं कि जो रसायन विज्ञान है इसमें हम दो चीज़ें पढ़ चुके हैं इससे पिछली वीडियो में, आइसोटोप समस्थानिक और आइसोबार पढ़ चुके हैं संभारिक। आज हम क्लास में पढ़ने वाले हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसोटोन्स। आइसोटोन्स होते हैं सम न्यूट्रॉनिक, देखते हैं देखो एक एक करके। सम न्यूट्रॉनिक या फिर आप कह सकते हैं आइसोटोन्स, बहुत ध्यान से समझेंगे और ज्यादा कुछ समझने वाली बात भी नहीं है इसमें। देखो पिछली बार वीडियो में भी हमने बात की थी संभारिक, सम मतलब समान, भार मीन्स भार, तो सम का मीन्स समान ले सकते हैं आप, और न्यूट्रॉनिक का मतलब है न्यूट्रॉन। तो अपने आप में ये जो शब्द है वो डेफिनेशन की व्याख्या करता है, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान, लेकिन किन में, तो आप ध्यान देंगे देखो पीछे दो हम और पढ़ चुके हैं, एक तो समस्थानिक, ये बहुत कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट में, वो डायरेक्ट तो पढ़ लेता है कि एक ही तत्व के परमाणुओं की बात हो रही है या अलग अलग तत्वों के परमाणुओं की बात हो रही है। मैन आपको यही समझना है, डायरेक्ट पढ़ने से काम नहीं चलता, आप मार्क्स करते हैं लेकिन एग्जाम क्वालिफाई नहीं करते, हाईएस्ट नहीं करते, उसका मेन रीजन यही होता है। एक लाइन में आप डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, चीजों को पूरी तरह से समझना नहीं चाहते। समस्थानिक हमने पढ़े थे, एक ही तत्व के जिनके जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, समान, ये बात पढ़ी थी। इसके बाद संभारिक हमने ये पढ़ा था भाई, संभारिक क्या होते हैं, अलग अलग तत्वों के, अलग अलग तत्वों के जिनके जो एटॉमिक नंबर हैं वो क्या होते हैं, समान, एटॉमिक भार वेट ए क्या होते हैं, समान होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संभारिक। ये दो बातें हम पढ़ चुके हैं, और इसमें क्या होता है, अलग अलग तत्व, तो बिल्कुल सेम टू सेम इसमें भी हम ऐसे ही लेंगे। देखो हम ये मानकर चलते हैं एक कार्बन का तत्व लिया हमने, किसका तत्व लिया, ये कार्बन का तत्व, और दूसरा तत्व ले रहे हैं हम नाइट्रोजन का तत्व, और तत्व अनेक परमाणुओं से मिलकर बना होता है, इसका एक परमाणु निकाला हमने, इसका एक 7N14, और इसका परमाणु निकाला क्योंकि तीन समस्थानिक होते हैं, पिछली वीडियो में पढ़ा हमने C12, 13 और 14, तो हम निकाल रहे हैं C13 वाला, और इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या देखते हैं। देखो हम पहले भी पढ़ चुके हैं न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, भाई 13 में से मतलब परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटाकर, तो 13 में से 6 घटाएंगे 7, 13 में से 6 घटाएंगे 7, और 14 में से 7 घटाएंगे तब भी कितने बचते हैं, 7। तो आप देख पा रहे हैं दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी है, समान, ना तो उनके परमाणु क्रमांक समान है और ना ही उनके परमाणु भार समान है, तो इनकी तो हमें बात ही नहीं करनी, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार की बात केवल किसकी करनी है, न्यूट्रॉनों की संख्या की। बहुत ही धैर्य के साथ समझे, तीनों में बहुत अच्छी तरह से आपको अंतर समझ में आने वाला है इस वीडियो में, तो देखेंगे। देखो आप बिल्कुल एक लाइन में डेफिनेशन कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न तत्वों के बेपरमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के बेपरमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान, उन्हें क्या कहते हैं, आइसोटोन्स या सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। इनके ना तो परमाणु क्रमांक समान होते हैं और ना ही इनके परमाणु भार, और इनके नाभिक का संगठन भी अलग अलग होता है। नाभिक का संगठन आप खुद ही देख सकते हैं कि न्यूट्रॉन तो 7 हैं इसमें, जबकि प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, परमाणु क्रमांक के, आपको पता है अच्छी तरह से, तो प्रोटॉन कितने हो गए, 6,
और इसमें प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? सात। इसका परमाणु क्रमांक सात है। क्या एक जैसा संगठन हो रहा है दोनों का? दोनों का अलग अलग है, तो ना तो परमाणु क्रमांक समान है, ना परमाणु भार समान है, और ना ही इसके नाभिक का संगठन समान है। समान है तो केवल क्या? न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इतना ही याद रखना है आपको, सही है। इसकी विशेषताएं देखते हैं। देखो इसके बाद हम सॉरी, इसमें आप देख पा रहे हैं, देखो समस्थानिक में एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु लेते हैं, संभारिक में अलग अलग तत्वों के परमाणु लेते हैं, और सम न्यूट्रॉनिक में भी अलग अलग तत्वों के परमाणु लेते हैं। अब देखते हैं, देखो इनकी विशेषता बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। कुछ भी नहीं है इसमें, अगर आप समझते हैं, अगर आप रटेंगे तो रटने के लिए बहुत कुछ है भाई, समझने के लिए कुछ भी नहीं है इतना। बिल्कुल एक एक शब्द में चीजें खत्म हो जाएंगी। सबसे पहली विशेषता क्या है कि इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान। इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सही है। दूसरा बिंदु, ना तो इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, ना ही इनके परमाणु भार समान होते हैं, और ना ही इनके नाभिक का संगठन। तो ये तीनों ही बातें क्या होती हैं? डिफरेंट, अलग अलग होती हैं। क्लियर है? केवल इनके नाभिक में न्यूट्रॉन समान होते हैं, ना तो इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, ना ही इनके परमाणु भार समान होते हैं, और ना ही इनके नाभिक का संगठन समान होता है। अब आप गुणों की बात करें तो पिछली वीडियो में हम दिन देखा था भाई कि जो परमाणु क्रमांक होता है वह उसके किस प्रकार के गुणों का निर्धारण करता है, बताएं। आप जहां भी बैठे हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोला करें भाई, ऐसा समझा करें कि आप सामने ही पढ़ रहे हैं बिल्कुल। तो परमाणु क्रमांक किसी भी तत्व के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है, रासायनिक गुणों का निर्धारण। तो आप खुद ही देख सकते हैं, जब परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है तो रासायनिक गुण भी क्या होने वाले हैं इनके? भिन्न भिन्न। ये पहली बात हो गई। और परमाणु भार किस प्रकार के गुणों का निर्धारण करता है? भौतिक गुणों का निर्धारण करता है। और परमाणु भार भी क्या है? 13-14 भिन्न भिन्न है, तो ये भी क्या हो जाएंगे? भौतिक गुण ये भी क्या हो जाएंगे भाई? भिन्न भिन्न हो जाएंगे। अगर नाभिक के संगठन की हम बात करते हैं तो नाभिक का संगठन किस बात का निर्धारण कर रहा था? रेडियो एक्टिव गुणों का निर्धारण। तो ये जो रेडियो एक्टिव गुण होंगे, नाभिक का संगठन भिन्न भिन्न होने के कारण ये भी क्या होंगे भाई? डिफरेंट होंगे। तो तीनों गुण आप देख पाए, ना तो इनके रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं, ना ही इनके भौतिक गुण एक जैसे होते हैं, और ना ही इनमें रेडियो एक्टिव गुण एक जैसे होते हैं। और अगला और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इन तत्वों को आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल में कहां रखा गया है? एक ही स्थान पर रखा गया है या अलग अलग स्थान पर? तो हर किसी का रटने की आवश्यकता नहीं। मैंने आपको बताया था कि परमाणु के आधार पर आवर्त सारणी बनाई गई है। जिनका परमाणु क्रमांक एक जैसा है उन्हें एक जगह रखा जाएगा, जिनका परमाणु क्रमांक अलग अलग है उन्हें अलग अलग रखा जाएगा। तो आप देखकर खुद बताओ जरा, इसे परमाणु क्रमांक क्या एक जैसा है इनका? नहीं, अलग अलग है, एक का 6 है और दूसरे का 7। तो आवर्त सारणी में इन्हें अलग अलग स्थानों में अलग अलग स्थानों पर रखा गया है। किसके आधार पर? परमाणु क्रमांक के आधार पर। इतना आप क्लियर कर पा रहे हैं? अगर और भी एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो और एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एक तो यही हो गया भाई, और हमने पढ़ा था देखो 1H3 ट्राइटियम, हमने हाइड्रोजन का समस्थानिक ट्राइटियम पढ़ा था, और दूसरा 2HE4 होता है। इसमें न्यूट्रॉनों का अंतर कितना रहा? 3 में से एक गया 2, और इसमें 4 में से एक गया 2। तो इसमें भी न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, ना तो परमाणु क्रमांक समान है और ना ही परमाणु भार समान है। ये भी क्या होंगे? सम न्यूट्रॉनिक होंगे। और भी आप चाहें तो बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते इसकी, इतने एग्जाम्पल बन सकते हैं। जैसे सिलिकन 14, और अगला होता है देखो
29 होता है अभी, सही है। 15 फास्फोरस, 30 और अगला सल्फर, 16 31। जरा घटाना कितना बचा ये, 14 15 29, 15 दूनी 30 और 15 16 ये 16 60, 15 16 31। क्या सभी में न्यूट्रॉनों की संख्या आपको समान नहीं दिखाई दे रही? तो ये सिलिकॉन का परमाणु है, ये सल्फर का परमाणु है, एस है भैया, नहीं फास्फोरस सॉरी, ये सल्फर का परमाणु है, सल्फर फास्फोरस और सिलिकॉन सभी के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या आपको कितनी दिखाई दे रही है, 15। लेकिन ना तो इनके परमाणु क्रमांक समान है और ना ही इनके परमाणु भार, 14 15 16 परमाणु क्रमांक है, 29 30 और 31 क्या है इनके परमाणु भार। तो ना परमाणु क्रमांक समान है ना परमाणु भार, लेकिन नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होने के कारण इन्हें क्या कहा जाएगा, आइसोटोन्स कहा जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इन सारी बातों को समझ गए होंगे, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से आप अपने नोट्स बनाएं और फिर बाद में क्वेश्चन लगाकर देखें, आप ये पाएंगे कि शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसे आप छोड़ पा रहे होंगे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसे आप छोड़ सकते हैं, बहुत ही आसानी से हर एक क्वेश्चन का आंसर विद एक्सप्लेनेशन आप दे पाएंगे, रेटिफिकेशन का सिस्टम ही खत्म, सही है। इसके बाद देखेंगे, देखो अगला आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि सम इलेक्ट्रॉनिक, सही है, ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है बिल्कुल, और आपने शायद नहीं भी पढ़ा हो तो देखते हैं, देखो ये बिल्कुल चेंज हो जाता है, इसके लिए आपको कुछ और समझना पड़ेगा। एक होता है परमाणु एटम, बहुत ध्यान से समझना इन बातों को, बहुत छोटी छोटी बातें हैं और पूरी केमिस्ट्री में हमें परेशान करती हैं ये, और इसके बाद आप इस समस्या से भी निजात पा लेंगे भाई बिल्कुल। एक होता है एटम और दूसरा होता है आयन, आयंस, सही है भाई, ये उदासीन होते हैं, ये उदासीन मतलब Na प्लस, परमाणु क्रमांक 11 परमाणु भार 13, ये परमाणु है, सही है, एटम है, कैसा है, उदासीन, कोई चार्ज नहीं है, अगर इसी पर चार्ज आ जाए, सही है, तो ये कैसा हो जाएगा, आवेशित, कैसा हो जाएगा, आवेशित, चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और क्या बनाता है, Na प्लस, तो ये कहलाएगा इसका आयन, और आयन पर कैसा आवेश है, प्लस का, तो अगर प्लस का आवेश होता है तो उसे कैटायन कहते हैं, कैटायंस, और अगर माइनस का आवेश होता है तो उसे एनायंस कहते हैं, क्या कहते हैं, एनायंस। इन्हें भी देख लेते हैं, देखो इनका एक कॉन्सेप्ट है सीधा सीधा कि परमाणु वास्तव में इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागते हैं, कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ये वाला कॉन्सेप्ट अभी हम नहीं पढ़ रहे, आगे के चैप्टरों में इस कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे, और आप मेरा यकीन मानना आप कभी भी नहीं भूल सकते, इस तरह से मैं इन चीजों को आपको समझा दूंगा, सही है। तो फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा हम सीधा सीधा पढ़ने की कोशिश करते हैं, जैसे देखते हैं, देखो जैसे जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, त्यागता का मतलब डोनेट करता है, किसी दूसरे को देता है, एक तो ये कंडीशन हो गई, और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है यानी कि ग्रहण करता है, तो देखेंगे जब त्यागेगा तो उस पर प्लस का आवेश आ जाएगा, और जब वो ग्रहण करेगा तो उस पर माइनस का आवेश। आपको कुछ सोचना समझना ही नहीं, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश है, माइनस का, और जब आप किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो माइनस का बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा आवेश, आप खुद समझ कर चले हैं। ये क्लोरीन परमाणु है, क्लोरीन परमाणु है, 17 परमाणु क्रमांक होता है, इसका मतलब क्या हो गया, 17 प्रोटोन, 17 क्या होगा इसमें, प्रोटोन, यही तो समझाया था भाई,
और 17 ही इसमें क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, यानी कि प्लस और माइनस का दोनों बराबर है। अब ये दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या एक माइनस का ज्यादा नहीं हो जाएगा इसके ऊपर, हो जाएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन 17 के स्थान पर कितने हो गए, 18। एक माइनस का आवेश ज्यादा हो गया या नहीं हो गया, हो गया। तो वो आवेश हमें अलग से डिनोट करना पड़ेगा, इस पर ऊपर दिखाई देगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक, अगर दो इलेक्ट्रॉन, जैसे ऑक्सीजन क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर कितने आवेश आ जाते हैं, दो। अभी बिल्कुल सीधा सीधा समझो मैं फिर आपको, क्योंकि अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं पढ़ा है भाई, और जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ लेंगे, इसके अगली जो वीडियो होगी आपकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ही होगी, और वो वीडियो जरूर देखना। देखो पूरी केमिस्ट्री का वही बेस है, वहीं से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे आगे को केमिस्ट्री में, सही है। और वीडियो को पूरा देखें ध्यान से, और लिखते हुए चलें वीडियो में जो कुछ भी हो, बहुत व्यवस्थित तरीके से, तो आप समझ पाए होंगे कि ऋणायन कैसे बनते हैं। यही कंडीशन होती है धनायन की, देखते हैं। देखो जैसे सोडियम को ही देखो आप, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। 11 है, इसका मतलब क्या हो गया, 11 इसमें प्लस के प्रोटॉन होंगे और 11 ही माइनस के इलेक्ट्रॉन। इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, प्लस का आवेश कब आता वो देख रहे हैं। पहले 11 थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, कितने बचे, 10। माइनस का आवेश कितना बचा, 10, और प्लस का कितना हो गया, 11। एक ज्यादा हो गया या नहीं, एक ज्यादा हो गया। और जो ज्यादा वाला होता है वो बाहर निकल कर आ जाता है, उस पर हमें डिनोट करना पड़ता है बाहर। बस यही कॉन्सेप्ट याद रखो कि जो आवेश परमाणु के अंदर ज्यादा होता है, जो आवेश परमाणु के अंदर ज्यादा होता है वही आवेश परमाणु के ऊपर हमें डिनोट करना पड़ता है। Cl ने एक माइनस का आवेश ले लिया तो माइनस का दिखाना पड़ा हमें, और सोडियम मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उस पर हमें प्लस का दिखाना पड़ा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो प्लस का क्या हो गया, इस पर ज्यादा हो गया। तो आप बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में इसे समझ सकते हैं, देखो कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है। ये आपको समझ में आ गया कि जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन, इसे बोलते हैं हिंदी में धनायन, और इसे बोलते हैं जिस पर माइनस का आवेश होता है एनायन, ऋणायन। क्या बोलेंगे भाई, ऋणायन। तो माइनस का आवेश है तो ऋणायन बोलेंगे, और प्लस का है तो धनावेश, एनायन इंग्लिश में, और कैटायन धनायन को इंग्लिश में बोलते हैं। तो इतनी बात क्लियर कर पा रहे होंगे, बहुत बेसिक समझाया है मैंने, और भी इससे भी ज्यादा बेसिक करेंगे आगे, लेकिन उसके लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझना पड़ेगा, इससे अगली वीडियो में हम वो पढ़ेंगे। अब देखते हैं, देखो सम इलेक्ट्रॉनिक, बिल्कुल एक शब्दों में, सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, सम समान, इलेक्ट्रॉन का मतलब, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन। तो जिनमें इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन फिर वही बात, क्या ये एक ही तत्व के होंगे, नहीं, अलग अलग तत्वों के, अलग अलग तत्वों के। तो अब आप एक निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं कि समस्थानिक को छोड़कर, आप देखो पिछले वीडियो में समस्थानिक को छोड़कर बाकी के सभी में हम जो गुणों में कंपेयर कर रहे हैं किसके, अलग अलग तत्वों के। जैसे एक एग्जांपल देकर बताता हूं मैं आपको, जैसे ये हो गया हमारे पास सोडियम, ये हो गया हमारे पास आपका मैग्नीशियम, ये हो गया हमारे पास एल्यूमिनियम, और ये हो गया नियॉन, सही है। आप जानते हैं भाई नियॉन का परमाणु क्रमांक 10 होता है, अगर परमाणु क्रमांक 10 है तो इसका मतलब क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी 10 होंगे, सही है। आप देखते हैं, देखो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम का कितना होता है, 12, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन, इसका 13 होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 13। तो नियॉन तो कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता नहीं, तो नियॉन का जो परमाणु है उस पर 10 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 10 ही इलेक्ट्रॉन। लेकिन सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो Na+ आ जाएगा, अभी यही तो बात कर रहे थे हम, एक प्लस का आवेश आ जाएगा।
और जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया इसने तो कितने बचे, 11 थे, एक दे दिया किसी और को, तो कितने बचेंगे आप बताओ, खुद बोलो जरा, 10 बचेंगे भाई। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम अपना आयन बनाता है Mg+2, और आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, अगली वीडियो में हम ये भी पढ़ेंगे कि सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागता है, दो क्यों नहीं त्यागता, तीन क्यों नहीं, और Mg दो ही इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागता है, ये तीन या चार क्यों नहीं त्यागता या एक क्यों नहीं त्यागता सोडियम की तरह, इसका भी कारण हम पढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें सीखना पड़ेगा भाई, तो अगली वीडियो में पहले उसे करेंगे। तो 12 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, 2 प्लस का मतलब क्या है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो जब 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा कितने बचे, 10। एल्यूमिनियम को आप देख सकते हैं 13 इलेक्ट्रॉन है, और ये Al+3 बनाता है, +3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, +3 का मतलब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो 13 में से 3 त्यागे कितने बचे इसके पास, 10। और आप जरा ध्यान से देखो, क्या इन सभी के इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये जो हैं, चाहे Ne हो, चाहे Na+ हो, चाहे Mg+2 हो, चाहे Al+3 हो, इन सभी के इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी है, समान। और जब समान होगी तो इन्हें क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स या आइसो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स, सही है भाई। इसके बाद देखेंगे, देखो आप ये भी ध्यान रखना है कि भिन्न भिन्न तत्वों के ये परमाणु भी हो सकते हैं, पिछले में केवल परमाणु की बात की, ये परमाणु भी हो सकते हैं और ये आयन भी हो सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं। देखो ये परमाणु है, कोई आवेश तो नहीं है, जो उदासीन होता है परमाणु होता है भाई, और Na+ का हमने क्या लिया, आयन, आयन में ही तो है कि 10। Mg का भी आयन लिया, तो ये परमाणु भी हो सकते हैं और आयन भी, जबकि बाकी के पिछले तीनों हमने जो पढ़े थे वो केवल क्या होते हैं, परमाणु। तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया, हमने आइसोटोप पढ़ लिए, हमने आइसोटोन्स पढ़ लिए, हमने आइसोबार पढ़ लिए और हमने आइसो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ लिए, ये चारों टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बोहर बरी के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो आधे घंटे के या एक घंटे के बाद अगली वीडियो आने वाली है, और आप उस वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें, पूरी केमिस्ट्री उसी पर टिकी हुई है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर कोई कमी लग रही है आपको वीडियो में तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, अगर सुधार करने की गुंजाइश होगी तो सुधार की जाएगी, नहीं तो आपको थोड़ा सा समय कोऑपरेट करना पड़ेगा। थैंक यू।